नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त लाइव खबर दिखा रहे हैं हम आपको मिड टाउन होटल के ठीक नीचे, फ्लाईओवर के नीचे से, जहां पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि यहां पर पानीपत पुलिस जो है एक्टिव मोड में नज़र आ रही है। और चालान यहां पर जो राहगीर हैं, वाहन चालक हैं, उनके चालान काटने में मस्त है। और भारी बारिश के बीच में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस मस्त, नेता फोटो खिंचवाने में व्यस्त और जनता त्राहिमाम। और इस बरसात में हुई परेशानियों का सामना करते हुए नज़र आ रही है। और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम संजय चौक से कि जहां पर एक बार फिर से बारिश शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे बूंदाबांदी फिर से शुरू हो चुकी है। और यहां पर दोनों तरफ सर्विस लाइन आप देख पा रहे हैं कि सर्विस लाइन पे भी इतना पानी भरा हुआ है। कुछ देर पहले मैंने तस्वीरें देखी थी कि पालिका बाजार में डब्बों से, बाल्टियों से लोग पानी निकालते हुए नज़र आ रहे थे। और जनता सरकार के प्रति अपना रोष प्रकट कर रही थी। और यहां पर प्रशासन को ट्रैफिक का ध्यान रखना चाहिए, ट्रैफिक खुलवाने के लिए अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतनी क्या ज़रूरी है चालान काटने की कि चालान में व्यस्त है प्रशासन को, जो जिला पुलिस है उसको अभी जाम की जो स्थिति बनी हुई है, जाम से लोगों को निजात दिलाना चाहिए। ये इसके चलते यहाँ पर देखिए आप, डिवाइडर है ये, इस तरफ आप सर्विस लाइन देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ नेशनल हाईवे है ये। यहाँ की तस्वीरें आए दिन का यही हाल है, जहाँ पर ये व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की जानी चाहिए थी, तमाम जो वादे हैं। ये देखिए शिविर है यहाँ पे, शिविर के जो ढक्कन जो डाले गए हैं वो भी डूब चुके हैं, सड़क जो है वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। लोग तमाम जो है अपने दुपहिया वाहनों से, चार पहिया वाहनों से इसी पानी में से निकल के जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है, चालान कोई ज़रूरी नहीं है कि चालान दो दिन भी बाद भी काट सकती है पुलिस, चेकिंग अभियान चला सकती है फिर से बड़े लेवल पर। लेकिन आज जो है ट्रैफिक इतना लंबा है, यहाँ से लेकर के बस अड्डे तक जो है ऐसी जाम की स्थिति, धीरे धीरे जो गाड़ियाँ हैं रेंग रेंग के गाड़ियाँ चल रही हैं। लोग इस पानी के ब्लॉकेज की वजह से परेशान है, जाम आप देख पा रहे हैं, जाम की स्थिति बनी हुई है इस पानी से। जितने भी राहगीर हैं यहाँ वो लोग खड़े हुए हैं क्योंकि निकलने का रास्ता नहीं है। ये बस थोड़ी सी जगह बची हुई है नेशनल हाईवे पे, जो सड़क दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अलावा संजय चौक से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, ठेके से लेकर के पूरा आगे तक सर्विस लाइन भी इस पानी के लबालब भरने से, तालाब भरने से परेशान है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन और यहाँ के अधिकारियों से? भाई मैं तो बाहर से आया हूँ, मैं क्या कहूँगा आपको। कहाँ के रहने वाले हो? मैं करनाल से आया हूँ। फिर आओगे पानीपत? हाँ, यही रहना, अभी तो थोड़ा रहना पड़ेगा। तो देखिए करनाल से हैं ये लोग और ये पहुँचे थे, लेकिन फिर से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि इस पानी की वजह से थोड़ा सा भी पानी, थोड़ी सी भी बरसात, हल्की सी भी बरसात हो जाती है तो ऐसे तालाब जैसी स्थिति जो बन जाती है पानीपत के अंदर। और करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के दावे करते हैं यहाँ के नगर निगम अधिकारी जो हैं, वो तमाम लोग हैं। अधिकारियों की तो बात ही छोड़िए आप, हर बार यहाँ पर अधिकारी है, थोड़े थोड़े दिनों के बीच में उनके ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कोई अधिकारी यहाँ नहीं दिखता। नगर निगम कमिश्नर की बात कर लें तो पिछले 5 महीने से में 3 कमिश्नर जो है वो यहाँ पर बदल चुके हैं। ऐसा क्या कारण है, क्या
नेताओं को वो कमिश्नर शूट नहीं करते, या फिर अपने चहेते जो अधिकारी हैं उनको यहाँ के जो नेता हैं वो लाना चाहते हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर फिर से एक बार देखिए कैसे लुत्फ उठाते हुए वाहन चालक, देखिए कैसे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि लहरें जो हैं वो उठ रही हैं। एक कोहाना रोड की और तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको कुछ देर के बाद में। फिलहाल बताइए आप कहाँ से आए? बहुत बुरा हाल है भाई, पानीपत शहर का बहुत बुरा हाल है, नाश हो गया इस फ्लाईओवर ने, तो और नाश कर दिया शहर को, डुबो के रख दिया शहर को इसने। क्या नेता काम तो करते हैं? कोई काम नहीं करता, सब भ्रष्ट नेता है यहाँ पे, सब अपनी जेब भरते हैं। अच्छा हाँ, तो देखिए आप कैसे गुस्सा निकाल रहे हैं यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनके ऊपर गुस्सा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं लोकल, उन लोगों ने कहा है कि भ्रष्ट लोग हैं ये लोग, कोई काम नहीं करता। तस्वीरें फिर से हम आपको सिटी तहलका के माध्यम से गुहाना रोड से दिखाएंगे। फिलहाल जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ तक जाम है ये? ये बड़ा लंबा जाम है सर पीछे से। अच्छा, किस वजह से? पानी है ज़्यादा, उसकी वजह से जाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।